जय माता दी। धर्म से लगातार जुड़े रहने के लिए और हर मंगलवार, गुरुवार, शनिवार और रविवार को हमारे वीडियोस पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर ऑल वाला नोटिफिकेशन चुनें। इस बार नवरात्रि पर 58 साल के बाद बहुत ही शुभ संयोग बन रहा है। हम आपके लिए लेकर आए हैं ऐसे आसान वास्तु उपाय जो इस नवदुर्गा में आप करके अपना जीवन बदल सकते हैं और बड़ी बड़ी दिक्कतों से हमेशा के लिए मुक्ति पा सकते हैं। माता के भक्त आशीर्वाद पाने के लिए 9 दिनों तक व्रत रखते हैं। यह त्योहार 17 अक्टूबर से शुरू हो रहा है जो 25 अक्टूबर को समाप्त होगा। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस समय देवी की पूजा करते समय अगर वास्तु के सरल उपायों को अपनाया जाए तो मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। आइए जानते हैं नवरात्र की इन 9 रातों में आप किस तरह के वास्तु उपाय करके अपने घर में सुख, समृद्धि और शांति ला सकते हैं। स्वागत है आपका आस्तिक स्पिरिचुअल सीक्रेट्स में। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को अभी लाइक कर लीजिए। नवरात्र के दौरान आम और अशोक के पत्तों की माला बनाकर अपने घर के मुख्य दरवाजे पर बांधना शुभ माना जाता है। इससे घर में सभी तरह की होने वाली नकारात्मक ऊर्जा नष्ट हो जाती है। नवरात्र के समय घर के मुख्य द्वार पर स्वास्तिक बनाना चाहिए। इसके साथ ही श्री गणेश का चित्र भी लगाना अच्छा माना जाता है। ऐसा करने से घर में आने वाली समस्याएं दूर होती हैं। इन दिनों मुख्य द्वार पर लक्ष्मी जी के पैर के निशान बनाने से घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। इससे घर में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है। देवी लक्ष्मी की ऐसी तस्वीर लगाएं जिसमें वे कमल के फूल पर विराजित हों। मान्यता है कि इससे घर परिवार के सदस्यों पर शुभ प्रभाव पड़ता है। वास्तु के मुताबिक घर या दुकान के मेन गेट पर ओम का चिन्ह बनाने से या शुभ और लाभ लिखने से घर में आने वाली बीमारियां बाहर से ही चली जाती हैं। परंतु ध्यान रखें, इसे पूर्व या उत्तर दिशा की ओर ही बनाएं। अगर आपको नौकरी व्यवसाय में लगातार नुकसान हो रहा है या फिर नौकरी करते हैं और आय संबंधी परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं, ऐसे में आपको बस इतना करना है कि नवरात्रि के पहले दिन सफेद रंग की 11 कोड़ियों को पीले रंग के कपड़े में बांध कर रखें। इसे आप जहां भी धन रखते हों उसी स्थान पर रख दें। माँ लक्ष्मी को प्रणाम करें और प्रार्थना करें कि वह आपकी आय में वृद्धि करे, व्यवसाय में लाभ दिलाए। अगर किसी व्यक्ति के पास धन रुकता ही नहीं है, यानी कि तमाम मेहनत के बाद भी आपको लाभ मिलते मिलते रह जाता है, इस परिस्थिति में पीली कोड़ी का प्रयोग करें। इसके लिए साधक को नवरात्रि के पहले दिन माँ लक्ष्मी को प्रणाम करके पीले रंग के कपड़े में पीले रंग की 7 कोड़ियां रख लें। इसके बाद इसे तिजोरी में या जहां कहीं भी पैसे रखते हैं उस स्थान पर रख दें। साथ ही माँ लक्ष्मी को प्रार्थना करें कि वह आपके जीवन में धन और समृद्धि की बरकत करे। देवी के स्वागत से पहले घर में विशेष साफ सफाई कर लें। अपने घर में फालतू का सामान जैसे पुराने जूते, चप्पल आदि को निकाल कर बाहर कर दें। गंदगी बिल्कुल ना करें। धूप दीप से वातावरण को सुंदर बनाएं। पूजा स्थल के आसपास बिल्कुल भी गंदगी नहीं होनी चाहिए। नवरात्रि में देवी की आराधना के लिए माँ दुर्गा की प्रतिमा को उत्तर पूर्व दिशा में रखें। अखंड ज्योति को दक्षिण पूर्व दिशा में जलाएं। पूजा में उपयोग होने वाले घड़े को लकड़ी के पटले पर रखें। पूजा से पूर्व हल्दी या कुमकुम से स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं। इससे पूजा स्थल पर सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। जिस स्थान पर भगवती की आराधना हो वहां पर सजावट का विशेष ध्यान रखना चाहिए। पूजा कक्ष की सजावट करते समय रंगों का विशेष ध्यान रखें। वहां पर सफेद, हल्का पीला और हरा आदि जैसे हल्के रंगों का पेंट करना चाहिए। माँ की पूजा करते समय लाल रंग के ताजा फूलों का इस्तेमाल करें। तो मित्रों, यह थे वो वास्तु उपाय जिनको आप नवरात्रि के दिनों में अपनाकर अपने जीवन में सुख, समृद्धि और शांति ला सकते हैं। आस्तिक परिवार की ओर से आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। जय माता दी, जय माँ भगवती।